हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस फिर से एक नए ब्लॉग वीडियो में आप लोग स्वागत करते हैं और देख सकते हैं सुबह का इस तरह का नज़ारा है। बाकी जा रहे हैं खेत पर, फिर से वही जो बचा हुआ था उसको हलून जोतने के लिए, और आज पूरा रोपा का काम चलेगा। तो आज आने वाला है पूरा, सब बहुत से लोग आएंगे आज धान रोपने के लिए। चलिए सब लोगों को आप लोग को मिलवाएंगे, दिखाएंगे कैसे कैसे हम लोग धान रोपते हैं गाँव देहात में। गाइस बने रहिए वीडियो में। बाकी देखिए इधर बत्तख लोग इधर उधर घूर रहा है, इन लोग का घर का काम अभी रुक गया है धान रोपने के चक्कर में। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर चलते हैं, डायरेक्ट मिलते हैं आप लोग से खेत में। आज फाइनली पहुंच गए हैं खेत पे। तो देखिए यार, ट्रैक्टर रात में यहीं पर खड़ा करके गए थे। बाकी इस तरह का है नज़ारा पूरा कंप्लीट यहाँ का, इसको रख देते हैं नीचे। बाकी चलिए अब खेत के अंदर चलते हैं और फिर से इसको पूरा कंप्लीट जोतते हैं, जितना खेत वगैरह है सब में पानी डाला हुआ है। चलिए गाइस, do you believe me that I'm a lonely soul? Would you love me? I've been searching, always wanted more. Can you hear me? Finally, देख सकते हैं आप लोग, ये सभी लोग जो है इधर मोरी वगैरह कवार रहा है। बाकी उधर जो है ट्रैक्टर को खड़ा कर दिया वहाँ पे, और उधर जो है सो कादो कर दिया। चलिए आप लोग को दिखाते हैं कादो। बाकी आए थे इन लोग सब, इन लोग को थोड़ा बताने के लिए कौन सा धान कवारना है, तो इन लोग सब लोग कवार रहे हैं। चलिए आइए अब क्रॉस करते हैं इसको। चलिए अब दिखाते हैं आप लोगों को कितना अभी तक काम हो चुका है। बाकी अब रोपनी आने के समय हो चुका है, देखिए कितने देर में आता है। 9 बजने वाला है, पता नहीं कितने देर में आ जाऊँगी। तो गाइस फाइनली आप लोग देखिए इधर लग दी है मोरी, बाकी इधर सब कवार रहा है, बाकी और सब उधर भी लगा दिए हैं सबको कवारने के लिए। चला जाओ आप, चलिए अब चलते हैं इसको डालते हैं खेत में ना। Always trying to see through your flaws, 'cause I know that you got so much more to give. You made a real mess, but I miss you though, 'cause I can go to sleep when I'm alone again. Say you wanna fix our problems, how long should I be waiting? Feels like I've had too much of drama, but I'm not ready to give in. तो गाइस फाइनली पूजा वगैरह भी कंप्लीट हो गया, और आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग मोरी उरी डाल दिए हैं सब खेत में। बाकी और भी डालेंगे, उधर से सब रोपनी लोग भी आ रही है, तो चलिए उन लोग को भी अभी दिखाते हैं आप लोग को पूरा कंप्लीट। और फाइनली अब रोपा का समय चालू हो गया है, तब मेहनत तो ज़्यादा हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग हालत क्या हो गया हमारा। और देखिए चाचा बहुत लेट से आए, इसका वजह से आज 11 बज गया है और अभी तक जो है सो धान का रोपा शुरू नहीं हुआ है। ये जब तक वहाँ बोनी नहीं करता है तब तक जो है नहीं होता है। तो पूजा वगैरह सब चीज कंप्लीट हो गया है, तो चलिए अब करीब करीब अब धान अब रोपा शुरू हो ही। तो गाइस चलिए फाइनली खाना खाने का समय आ गया है, नाश्ता करते हैं। सभी लोग देखिए उधर लगा हुआ है एकदम खा रहा है वहाँ पे, तो चलिए उन लोग से भी दिखाते क्या क्या आज बना है खाने के लिए। बाकी एकदम हालत ख़राब हो जाता है एकदम गाड़ी चला चला के काम कर करके। अभी तो रोपा का समय चल रहा है और आप लोग देखिए क्या हालत हो गया है मेरा। अब देखिए हाथ का यह हालत है पूरा कंप्लीट, पूरा एकदम टेंशन फ्री।
तो टेंशन फ्री हो जाएंगे, बस कुछ दिन का और काम बचा हुआ है, उसके बाद काम करेंगे और ख़त्म हो जाएगा। तो आज से शुरुआत हुआ है, तो चलिए खाते हैं खाना। और देखिए यहाँ पे सभी लोग बैठ के एकदम खाना खा रहा है, आज फाइनली खाना खा रहे हैं। देखिए इधर सब लोग मस्ती में पूरे बैठे हैं, सब खाना खा रहे हैं, बाकी उधर धान रोपने के लिए लग गया है। चलिए अब हम भी खाते हैं, समय आ गया खाने का। और इधर देखिए हमारे बड़े भैया आए हैं आज भी मोरी कवार, तो थोड़ा सा उससे हाल चाल पूछ लेते हैं। और कैसे समय चाह रहे, ठीक है, खाना बढ़िया है, सुपर सुपर खाना है। चलिए ठीक है, तो चलिए आज हम भी खाना खाते हैं और उसके बाद फिर आप लोग से मिलते हैं। तो चलिए खाना वाना खाते हैं हल्का फल्का ला हमारे। चलिए गए जब खाना खाते हैं, देख सकते हैं आप लोग इधर पूरी और सोयाबीन का सब्जी आलू का मिल गया है। कल के सुबह सुबह का नाश्ता हम लोग का गिफ्टी करने ले लिए। जैसे ये वाला नहीं चलते थे अकरा जे होने देखो ताड़ी हो रहा तो लड़का कवर बहुत कवर लो है हमने वाले से तू समझो देख साली ओए मसूरी ध्यान दे मसूरी तने। I'm always trying to see through your flaws, 'cause I know that you got so much more to give. You made a real mess, but I miss you though, 'cause I can go to sleep when I'm alone again. Say you wanna fix our problems. फाइनली खाना वगैरह हम लोग खा लिए पूरा कंप्लीट, देख सकते हैं आप लोग, ये लोग भी पूरा कंप्लीट खा होके हो गया है रेडी। और ये रहा कुआं, और इसी का पानी सभी लोग वहाँ जा जा कर एकदम आराम से हाथ धो रहा है। बाकी मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो फिर से देखिए वहाँ पे बना रहा है उन लोग। तो चलिए अब फिर से ट्रैक्टर वगैरह जोतते हैं हर को, कहे कि आजकल काम ही वही है, ड्यूटी वही चल रहा है। तो चलिए निकलते हैं गाइस इधर से, है ना। फाइनली आप लोग देख सकते हैं तीन खेत का रोपा हो गया, कितना खूबसूरत लग रहा है। बाकी देखिए इन लोग अभी इसमें शुरू कर रहा है, पर आज भी बहुत सारा है, आप लोगों को फिर से एक बार दिखाएंगे बढ़िया से। तो फाइनली अब जो है इस खेत को अब जोतते हैं, देखिए इसको फिर से जोतना है। चलिए फाइनली सभी लोग देखिए नाश्ता वगैरह करके खाना वाना खाकर फिर से लग गया काम पे। तो गाइस अभी देखिए कितना रोपा गया इधर, इन लोग अभी रोप दिया सुबह से इतना, और बाकी यहाँ पे लगा हुआ है सभी लोग, बाकी इसमें भी लग रहा है इन लोग रोपने के लिए। तो आज लगता है करीब करीब यहाँ तक हो जाएगा, बाकी एक टोकरा उसको भी बना रहे हैं, तो देखते हैं वो भी कंप्लीट होता है कितना दूर तक रोप पाते हैं। और अभी टाइम हो गया है, 3 बज गया है, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। तो चलिए ड्यूटी पर लगते हैं, बाकी सभी लोग मुरी वगैरह इधर जो है सो कवार रहा है, और बाकी यहाँ से सब ढो ढो कर ला रहा है इन लोग, है ना। तो यही है सिस्टम, और चल रहा है आज काम धंधा पूरा बढ़िया से। और बाकी सभी लोग इसमें खाना खा के एकदम आराम से निकल गया। तो चलिए अब बाकी इस तरह का खूबसूरत नज़ारा है आप लोग देख ही सकते हैं। फाइनली आप लोग ने देखा उधर मशीन वगैरह भी खराब हो गया, आजकल पूरा दिन खराब चल रहा है। और इधर देखिए इन लोग मोरी भी कवार रहा है, पूरा एकदम धीरे धीरे कवार रहा है इन लोग। बाकी चलिए काम चलिए रहा है, बाकी इन लोग जब मोरी ढोला है, मोरी ढो रहा है इन लोग।
बाकी देखिए पहाड़ में जो है सभी मौसम थोड़ा साफ हो गया, अभी तुरंत बारिश होके गया है यहाँ से, और मिनट मिनट में बारिश आ रहा है जा रहा है, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है काम करने में भी, मज़ा आ रहा है। और आज शुरू दिन है, बस धीरे 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 तो फिर आदत हो जाएगा काम करते करते। बाकी देख ही सकते हैं किस तरह का नज़ारा है। बाकी यहाँ पर ट्रैक्टर में पूरा मोरी लोड है, इसको फिर से लेके जाना है वहाँ पर, खेत पर छोड़ना है। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, और फिर अब हम लोग का फिर इन लोग का अभी खाना खाने का समय आया है, तो कुछ देर में इन लोग के लिए भी खाना आएगा। से देखते हैं क्या क्या बन रहा है घर में और क्या क्या मिल रहा है। और सामने है घर, वहाँ से आएगा खाना लेके आएगा उन लोग। तो चलिए गाइस बने रहिए भाई। फाइनली अब हो गया कंप्लीट, अब निकलेंगे घर की ओर और जाएंगे वीडियो अपलोड करने के लिए। कहे कि वीडियो जो है अपलोड करना पड़ेगा, बहुत दूर जाना पड़ता है, यहाँ से 5-7 किलोमीटर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा सवेरे निकलेंगे। तो वीडियो करेंगे यहीं पे हम। गाइस ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, जय जवान, जय किसान।